नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भाजपा हमलावर हो गई है। विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि संथाल परगना के सभी जिले में कांग्रेस सहित उनके गठबंधन दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तुष्टिकरण की नीति के चलते काई जमाई टोला एवं बहनोई टोला बन चुका है। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट को संज्ञान लेने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर शीघ्र ही चिन्हित कर उन्हें नहीं निकाला गया तो स्थिति विस्फोटक होती जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिनी एनआरसी सहित कई मांग घुसपैठियों के लिए करती रही है, लेकिन झारखंड की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हो या झारखंड की सरकार, सभी तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। अमर बाउरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। आपने देखा होगा अभी तीन या चार दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, वो है झारखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर। बांग्लादेश घुसपैठी के कारण यहाँ का पूरा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, विशेष करके जनजातीय बहुल इस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या कितनी घटी है। पिछले दिनों अपने आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने हुल दिवस के अवसर पर इस विषय को पूरे आंकड़ों के साथ आपके बीच में रखा था। जनजातीय समाज का जो आबादी है वो घटना, और वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का आबादी 35% को बढ़ना, ये अपने आप में एक बड़े खतरे की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट करता है। जब हम लोग पाकुड़ जिले के गोपीनाथ डी का घटना का याद करते हैं कि किस तरह से बकरीद के अवसर पर लोगों ने अंतर जिला, अंतर राज्य, वो अंतर देशीय नहीं अंतर राज्य मामला था, पश्चिम बंगाल की तरफ से सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति में पुलिस के लोगों ने यहां के हिंदुओं के घर पे हमला किया, बमबाजी किया, उनको लूटने का काम किया, गाड़ियां जलाने का काम किया, महिलाओं के साथ बदसुलूकी किया। ये साफ दिखलाता है कि जो कंसर्न है हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का, वो कितना वाजिब है और कितना खतरनाक स्थिति में संथाल परगना से पूरे झारखंड पहुंच गए हैं। वोट बैंक के तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इस सरकार ने सारी चीजों को ताक पर रख दिया है और यह अभी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जैसे पश्चिम बंगाल में आज परिस्थितियां खड़ी हुई है, ममता बनर्जी जी टीएमसी के शासन में आज जिस तरह से वहां लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जो मतदान है वो मतदान फ्री एंड फेयर नहीं होता है, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, विद इन इलेक्शन जो घटनाएं वहां घटित होती है, जिस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, एक ध्यान मतलब एकदम सीधे तौर पे जो किया जाता है, एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि शरीयत के हिसाब से उस पर जो है एक पति पत्नी को लगातार पीटा जा रहा था। कल मैं आ रहा था तो एक फिराद हकीम है, उनका मेयर भी है कलकत्ता का और उनका विधायक और पश्चिम बंगाल की सरकार में मंत्री भी है, उनका एक बयान आया है कि भाई हिंदू बहुत बदकिस्मत है, इनको मुसलमान बनाने का पवित्र काम, नेक काम मुसलमानों को करना चाहिए। एक संविधान की दुहाई देने वाला इंडिया अलायंस गठबंधन और संविधान की शपथ लेकर के, पद और गोपनीयता की शपथ लेकर के इस भारत में, एक संप्रभु भारत में, एक संप्रभु राज्य का मंत्री इस तरह से कह करके सीधे उन बातों को दोहराने का चैलेंज देता है कि भाई जो मुस्लिम लीग ने आजादी के पहले देश को धर्म के आधार पर दो टुकड़े करके पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम पर जानते हैं, आज वही काम कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टिकरण के पराकाष्ठा को पार करके और देश को धर्म के आधार पर फिर एक बार बंटवारा करने का एक षड्यंत्रपूर्ण, पूरा आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर एक कार्रवाई चल रही है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है और उसके अलाई पार्टनर कर रहे हैं। उसके तहत हिंदू समाज को गाली देना हो, हिंदुओं के बारे में गलत फहमी पैदा करना हो, हिंदू संस्कृति को जितना नीच दिखाने का जितना कोशिश हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है वो करना हो,
ये पूरा एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई चल रहा है और लोगों को संविधान की झूठी दुहाई देकर के आदिवासी और दलितों में एक भ्रम पैदा करने का कोशिश कर रहा है, जिसका एक पुख्ता प्रमाण ये झारखंड के संथाल परगना है। जैसे तो पूरे झारखंड में चल रहा है, लेकिन संथाल परगना उस दावानल के चपेट में आ गया है जो एक दिन पूरे झारखंड को और पूरे देश को जलाने वाली है। उसके जद में ये झारखंड ये आ गया तो वहां आकर के हुल का घोषणा करते हैं। मेरा प्रश्न पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा जब तक वो नहीं इसका जवाब देते हैं। 50,000 जनजातियों को एकत्रित करके सिद्धू कानू ने उस भोगनाडी की धरती से, इस संथाल के पवित्र धरती से अंग्रेजों के खिलाफ अपने जल जंगल जमीन, अपने बेटी रोटी और माटी के बचाने के लिए एक हुल किया था, अपने संस्कृति, अपने परंपराओं को, अपने अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए 1855 में सिपाही विद्रोह के 2 साल पहले ही एक आंदोलन किया था, जिसका आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं। उनके नाम पे सत्ता में आने वाली कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी सरकार ये बताए कि आज उस भोगनाडी में 7 ही परिवार क्यों आदिवासियों के बचे हैं, बाकी परिवार कहां चले गए? चावल पका है कि नहीं, एक दाना निकालने से ही हमको समझ में आ जाता है। मां जब चावल का हंडी चेक करती है तो पूरा एक एक चावल का दाना नहीं चेक करती, एक दाना निकालने से पता चल जाता है। इस संथाल परिणाम में डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इस पूरे संथाल परिणाम एक बारूद के ढेर में बैठा हुआ है और आदिवासी अस्मिता कितनी आज खतरे में है। जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो उसकी संस्कृति और परंपराएं कहीं बचेगी? यह अगर किसी को देखना है, समझना है, तो भोगनाडी आ जाए, उस महान क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के उस पावन धरती पे आ जाए और वहां जाकर के फिजिकली जाकर के देख ले, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। इन सारी घटनाओं पे राज्य की सरकार चुप है, इस पे कोई कुछ नहीं कहता, ना जेएमएम कहता है, ना कांग्रेस कहता है, ना आरजेडी कहता है। आज इतना बड़ा एक निर्देश आया है हाईकोर्ट का, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ दिखलाता है कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर उनको इस देश के हजार भी टुकड़े करने पड़े तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। उनके लिए प्राथमिकता उनकी सत्ता है, और सत्ता अगर रियासत की भी यदि हो जाए तो उस रियासत के भी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी कैसे अपने राहुल गांधी बेटे को बनाए, इसके लिए वो देश के टुकड़े भी कर दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई भी चालू की। आज जो इनकी गोलबंदी है, आज इनका जो तड़प है, और आज जो ये एक तरह से आप याद करेंगे आजादी के वो पहले का दिन जब डायरेक्ट एक्शन करके मुस्लिम लीग ने कार्रवाई के लिए कहा था। डायरेक्ट एक्शन क्या था? डायरेक्ट एक्शन यह था कि भाई उनको लगता था कि यह पूरा देश जिसको 500 सालों तक उन्होंने राज किया है, वो देश अंग्रेज जो है वो हिंदुओं को सौंपने वाले हैं। वो चाहते थे कि फिर से वो मुगल और वो इस्लामी स्टेट वो बने, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया और डायरेक्ट एक्शन करके धर्म के नाम पर एक अलग देश ले लिया, पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश है। आज उसी तर्ज पर, उसी मनोभाव के साथ और वही मानसिकता जिसके जद में जिहाद है, उस मानसिकता के साथ वो कार्य कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा, अगर यदि आजादी के पहले मैंने कहा ना जो मुस्लिम जो काम करता था, आज वो काम कांग्रेस अपने हाथ में लिया है और उनके एलाई पार्टनर पूरे देश के अंदर इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके पहले ही अपने सम्मानित विधायक यहां बैठे हुए आदरणीय विधायक राजमहल अनंत ओझा जी ने, इन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंटल प्रूफ के साथ दिया है निर्वाचन आयोग को कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है कि एक विधानसभा में 50,000 जो है मतदाता बढ़े जा रहे हैं। 14 से 19 के बीच में यहां जो औसत था वो 8,000 मतदाताओं के बढ़ने का था, वहीं 2019 से 24 आते आते ऐसा क्या हो गया कि वो 8-9 हजार जो 5 साल में बढ़ने का जो अनुपात था वो बढ़कर एक बार ही 50,000 हो गया? ये साफ दिखलाता है कि जो जमाई पाड़ा है, वो जो बहनोई पाड़ा है, ये पाड़ा कौन लोग आके बसा रहे हैं, कौन लोग आकर के यहाँ एसपीटी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, कौन एसपीटी के इतना बड़ा कवच कुंडल रखते हुए भी, मसना की घेराबंदी तो समझ में आती है लेकिन एसपीटी के जमीन में कब्रिस्तान की घेराबंदी कैसे हो रही है, ये समझ के बाहर है। और इसका जवाब वर्तमान की राज्य सरकार को देना चाहिए।